चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बगोदर में हुए ट्रक चालक की हत्या का पुलिस ने किया उद्भेदन। इधर गांडे में बुजुर्ग महिला के हत्याकांड से भी उठा पर्दा। दोनों कांडों के आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। एसडीपीओ ने पुलिस लाइन में की प्रेस वार्ता। सीटीओ मिलने के बाद ओपन कास्ट कोलवरी के लोकल सेल का हुआ शुभारंभ। मजदूर यूनियन व अन्य लोगों ने सदर विधायक का किया स्वागत। उत्पादन बढ़ाने और कोलवरी को सफल बनाने पर हुई चर्चा। तेलोडी उत्क्रमित मध्य विद्यालय को अपग्रेड करने को लेकर हुआ धरना प्रदर्शन। सोशल वेलफेयर कमेटी के बैनर तले आयोजित हुआ कार्यक्रम। विद्यालय को उत्क्रमित करने की जोर शोर से की गई मांग। और सिंधु बॉर्डर पर अराजक तत्वों का जमावड़ा। सिंधु बॉर्डर से लौटे गिरिडीह के युवा ने किया खुलासा। कहा देशभक्ति के पर्चे बांटने पर इसे किया गया प्रताड़ित। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस लाइन में एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बीते 11 जनवरी को जीटी रोड पर आसनसोल के ट्रक चालक प्रदीप कुमार की हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए हत्या में संलिप्त आरोपी गौरव पासवान को गिरफ्तार करने की सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को चालक की लूटी हुई मोबाइल, हत्या में प्रयुक्त हथियार आदि के साथ गया बिहार के वजीरगंज से गिरफ्तार किया है। गिरिडीह पुलिस ने जीटी रोड पर ट्रक चालक प्रदीप कुमार की हत्या का उद्भेदन कर लिया है। गिरिडीह एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। बताया कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल के एक ट्रक चालक की हत्या गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में ट्रक के पूर्व खलासी गौरव पासवान ने 11 जनवरी को कर दी थी। चालक की हत्या कर पूर्व खलासी ने 20,000 रुपए लूट लिया था। बताया गया कि बगोदर पुलिस ने गया बिहार के वजीरगंज से हत्यारोपी गौरव पासवान को गिरफ्तार किया है। पासवान के पास से चालक की लूटी गई मोबाइल, आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्र को बरामद भी किया गया। साथ ही एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त औजार भी बरामद कर लिया गया है। जो 10-11 रात के जनवरी में घटना 21 को घटना घटी थी, इसमें ट्रक चालक ट्रक नंबर NL01K1455 के चालक प्रदीप कुमार की हत्या अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कर दिया गया था। इसमें भी कांड का अनुसंधान त्वरित गति से करते हुए कांड का उद्भेदन किया गया। इसमें एक व्यक्ति गौरव पासवान, पिता रविकांत पासवान, साकी पुनामा थाना वजीरगंज जिला गया बिहार को गिरफ्तार किया गया। उसने अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार किए और उन हत्या में प्रयुक्त औजार और मोबाइल, वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ बरामद किया गया है। अब इसमें भी एक ही व्यक्ति की संलिप्तता थी, अभियुक्त की संलिप्तता थी, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक पैसा को लेकर के हत्या हुई थी, पैसे के लेकर के कुछ विवाद था आपस में, उसको लेकर के उसने हत्या कर दिया था। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर गांडे थाना क्षेत्र में 80 वर्षीय वृद्ध महिला पार्वती देवी हत्याकांड का खुलासा किया। प्रेस वार्ता में एसडीपीओ ने बताया कि महिला अपने दूसरे बेटे का पक्ष लेती थी, इस वजह से उसके एक बेटे चुड़का टुड्डू ने पत्थर से मार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने गांडे क्षेत्र में वृद्धा पार्वती देवी की हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। इस बाबत एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में पत्रकारों को बताया कि 80 वर्षीय पार्वती देवी की हत्या 25 जनवरी को उसके ही पुत्र चुड़का टुड्डू ने कर दी थी। जमीन पर लगे पेड़ और जमीन को लेकर चुड़का का अपने भाई के साथ विवाद चल रहा था। बताया गया कि पार्वती देवी अपने दूसरे पुत्र के पक्ष में थी, इससे नाराज चुड़का ने अपनी माँ की हत्या पत्थर से कर दी। पुलिस ने चुड़का को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 26/1/2021 को गांडे थाना क्षेत्र के रंगा माटी इरिकिया में एक अज्ञात महिला, जिनका उम्र करीब 80 वर्ष था, का शव पाया गया था। उनके पुत्र सुमाय टुड्डू के फर्दयान के आधार पर गांडे थाना कांड संख्या 3/2021 दिनांक 26/1/2021 धारा 302, 201, 34 भारतीय अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया था। कांड का त्वरित अनुसंधान करते हुए कांड का उद्भेदन किया गया। इस कांड में उनके छोटे पुत्र चुड़का टुड्डू की संलिप्तता पाया गया। उन्होंने अपना स्वीकारोक्ति बयान में घटना को स्वीकार किया कि उनके द्वारा ही घटना घटित किया गया है। घटना के कारण के संबंध में पूछने पर बताया कि चूंकि उनका खेत में जो पेड़ लगा हुआ था,
पेड़ के बंटवारा को लेकर के और कुछ जमीन का बंटवारा को लेकर के आपसी रंजिश थी और वे क्षुब्ध होकर, चूंकि उनकी माँ जो थी बड़े बड़े भाई सुमाय टूटू का पक्ष लेती थी, इसलिए उनका हत्या कर दिया। कितने लोगों की गिरफ्तारी? इसमें कांड में संलिप्त एक अभियुक्त थे, उनके छोटे पुत्र चुड़का टूडू, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हत्या कैसे हुई थी सर? हत्या किया गया था, वे घटनास्थल से पत्थर उठाकर उनको 3 बार प्रहार किए थे सर के बाएं तरफ, और पत्थर से सर कुचल कर ही अपनी माँ को उनके द्वारा हत्या किया गया था। शहरी क्षेत्र के पचम्बा में तुलिका हीरो शोरूम का उद्घाटन विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित व फीता काट कर किया गया। उद्घाटन के बाद केक काट कर 100 मिलियन स्पेशल हीरो एडिशनल बाइक की लॉन्चिंग भी की गई। शहरी क्षेत्र के पचम्बा में बुधवार को तुलिका हीरो शोरूम का धूमधाम से उद्घाटन किया गया। शोरूम का उद्घाटन रुक्मणी सराफ व मोटो कॉर्प के ईस्ट जोन के जोनल हेड स्वामीनाथन ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन अवसर पर केक काट कर 100 मिलियन स्पेशल हीरो एडिशनल बाइक की लॉन्चिंग भी की गई। बताया गया कि वक्त की जरूरत के हिसाब से हीरो की मोटर बाइक्स बन रही हैं। सभी लोग हीरो की बाइक्स को खूब पसंद कर रहे हैं। उद्घाटन मौके पर प्रदीप जैन, अंकित जैन, तुलिका जैन, भावना जैन सहित कई लोग उपस्थित थे। It's my privilege being part of this inauguration today, and our company has made a very big milestone in last month on the 21st of January with a 100 million rollout, 100 million vehicles sold. It's a proud and it's a moment of all the customers, our dealer friends, who is our customers, first customers, who has done it actually. And as an Indian company, for a 20 years, we are the number one, world number one two-wheeler company, and we are continuing that. And all the works at the ground level from the customers, and today it is such a big showroom. I would like to congratulate Pradeep and Mr. Ankit ji, because the kind of infrastructure you have given to a customer, right? So that's a exceptional, and the customer who visits your outlet should go with the good brand equity of Tulikia and Shanti Hero, and that is the first level of your branding in your town. And you also done a big milestone. I could see the kind of a population of a Giridi. It's almost close to 1.5 lakhs of urban. You have done by this, January this year 1.5 lakh vehicles sold from Hero.
यहाँ पर आए हुए हमारे सारे परिवार के सदस्य, हमारे मित्र बंधु, हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति, हमारे शांति हीरो के सदस्यगण, हमारे साथ काम करने वाले लोग, हम सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबों की प्रेरणा से 2000 से हम लोगों ने ऑटोमोबाइल बिजनेस शुरू किया था। आज 20 साल के बाद हम लोगों ने एक और नया आयाम इसमें जोड़ा है और हमारे श्रद्धेय श्री बिरलाल जी मुंजाल जो हमारे चेयरमैन थे, उनके मार्गदर्शन पर और हमारे करंट चेयरमैन श्री पवन जी मुंजाल के मार्गदर्शन से हम लोग हीरो की एक अलग छवि शहर में बनाए हैं कि सतत प्रयास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा हमें अपने आप पर पूर्ण भरोसा है और पूर्ण विश्वास भी है। आज से होने जा रहा है, पुलिका हीरो परिवार को शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ, दिल से दुआ देती हूँ पुलिका हीरो शोरूम नित नए बुलंदियों को, शिखर को छुए और कीर्तिमान बने। मेरे लिए बहुत खुशी के पल हैं, आनंद के क्षण हैं, आज मैं गौरव के पल को आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी मेला सम्मेलन गिरिडीह शाखा और भारत विकास परिषद गिरिडीह ब्रांच की भी अध्यक्ष हूँ, लेकिन उन सबसे ऊपर मैं एक माँ हूँ। मेरे बेटे अंकित, शुभम और बेटी डॉक्टर देवांशी अपने अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति की शिखर पर छू रहे हैं। मैं गौरवान्वित हूँ, अंकित मेरा बेटा ने इस शोरूम का नाम तुलिका हीरो को रखकर मेरी अभिमान को ऊंचा किया है, मेरे गौरव को बढ़ाया है। साथ में अपनी नानी मेरी माँ से फीता कटवा कर ग्रैंड ओपनिंग करवाया है, जो बुजुर्ग सम्मान इसने मेरी माँ को दिया है, माँ को तो दिया ही है, जिसने मुझे सम्मान दिया है, जिसे मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। भगवान ये खूब उन्नति को छुए और ये शोरूम अपनी नित नए शिखर को छुए। सूर्य कोटि समा प्रभा निर्विघ्नं करुणे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल। मैं अपने तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इट्स माय ऑनर to welcome you all in the inaugural ceremony of Tulika Hero. It gives me immense pleasure to have you all with us on this very special day. हमारे तुलिका हीरो का शुभोद्घाटन हुआ है हमारे जोनल हेड ईस्ट बी स्वामीनाथन सर के कार्यक्रमों द्वारा और हमारी रानी जी श्री रुक्मिणी शराफ के मध्य रुक्मिणी शराफ के द्वारा, और बहुत आनंद का हर्ष का समय है आप सबों के लिए। आपका हीरो आपके और नजदीक आ गया है और हम आशा करते हैं कि हम आपकी आकांक्षाओं पर खड़े उतरे। धन्यवाद। तेलोडे पंचायत के लोहपट्टी में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने को लेकर महिला सिलाई सेंटर का उद्घाटन विधिवत रूप से फीता काट कर किया गया। मौके पर उपस्थित स्थानीय मुखिया रिजवाना खातून ने बताया कि सिलाई सेंटर में यहां के आसपास की बच्चियों व महिलाओं को सिलाई सिखाने का काम किया जाएगा। तेलोडी पंचायत के लोहपट्टी में महिला सिलाई सेंटर का उद्घाटन तेलोडी मुखिया रिजवाना खातून ने फीता काट कर किया। वहीं इस सिलाई सेंटर के संचालिका बबीता देवी ने नारियल फोड़कर पूजा अर्चना की। मौके पर मुखिया रिजवाना खातून ने कहा कि इस सिलाई सेंटर में यहां के आसपास के बच्चियों और महिलाओं को बेहतर तरीके से सिलाई सिखाने का काम किया जाएगा, जिससे महिलाएं व युवतियां सिलाई सीखकर स्वरोजगार पैदा करेंगी और खुद आत्मनिर्भर बनेंगी। इस उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य रूप से ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद शब्बीर आलम, समाज सेवी मोहम्मद शरीफ, बबीता देवी, ललिता, राकेश सिन्हा, राधा कुमारी, सरिता कुमारी, गीता कुमारी समेत अन्य महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। ग्राम लोहपट्टी में एक सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया गया, जो सुकन्या राहत फंड से किया गया है।
इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभा रही है बबीता जी और ललिता जी, जिनका बहुत बहुत आदर करती हूँ। और ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया कदम बढ़ाया है, जो कि यहाँ सेंटर में खुलने के बाद यहाँ महिलाएं सिलाई का आनंद लेगी और बैठ करके यहाँ पे सिलाई से बच्चियाँ महिलाएं सभी यहाँ पे जो है सो इनका लाभ बहुत उठाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेनर हूँ और हम भी प्रशिक्षण ही देते हैं और वहाँ का मैं शिक्षिका हूँ। और हम यही चाहते हैं कि सभी लड़कियों से कि आगे बढ़ने का एक यही एक मेन मुद्दा है लड़की लोग का, कि घर बैठे ही 10 रुपया 100 रुपया जैसे जितना मेहनत करेगी उतना आमदनी इसमें होता है। और धन्यवाद करती हूँ बबीता जी और ललिता जी को, जो एक सैड एरिया में ग्रामीण क्षेत्र में रह करके भी यदि प्रोग्रेस कर रही है, लड़की लोग को डेवलप करा रही है, तो बहुत धन्यवाद की बात। राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति मजदूर संघ की एक बैठक बुधवार को नया परिसदन भवन में सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान न्यूनतम मजदूरी पर चर्चा के साथ साथ सर्वसम्मति से जिला कमेटी का गठन किया गया। बैठक के बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति मजदूर संघ की बैठक बुधवार को नया परिसदन भवन में संपन्न हुई। बैठक में न्यूनतम मजदूरी पर चर्चा के साथ साथ जिला कमेटी का गठन भी किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति मजदूर संघ के राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार सोनी एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश महामंत्री आर्यन वर्मा उपस्थित हुए। यहां इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व जिला अध्यक्ष जागेश्वर साहू ने किया। बैठक में गिरिडीह जिले के 13 प्रखंड से 5-5 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नवनियुक्त डोर स्टेप डिलीवरी के ठेकेदारों के साथ बैठक हुई। बैठक में न्यूनतम मजदूरी को लेकर चर्चा हुई। इसी संदर्भ में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा। इस बैठक में लगभग 75 लोग उपस्थित हुए, जिसमें सर्वसम्मति से जिला कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में योगेश्वर साहू को जिला अध्यक्ष, सीताराम तुरी को कार्यकारी अध्यक्ष, संतोष कुमार को कोषाध्यक्ष, निरंजन यादव को महामंत्री बनाया गया। आगामी 4 मार्च को झामुमो गिरिडीह जिला के स्थापना दिवस को सफल बनाने को लेकर कोर कमेटी की एक बैठक नया परिसदन भवन में संपन्न हुई। बैठक के दौरान गिरिडीह व गांडे विधायक ने कहा कि कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए धूमधाम से पार्टी स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जाएगा। झामुमो जिला कोर कमेटी की एक बैठक नया परिसदन भवन में की गई। यहां बैठक का संचालन जिला सचिव महालाल सोरेन ने किया। बैठक में अतिथि के रूप में गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और गांडे विधायक सरफराज अहमद उपस्थित हुए। बैठक में आगामी 4 मार्च को झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला इकाई के स्थापना दिवस को सफल बनाने पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और कोविड गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखा जाएगा। वहीं गांडे विधायक ने कहा कि हर साल की तरह लोगों को झंडा मैदान में लाने के लिए हर क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और 4 मार्च स्थापना दिवस को सफल बनाया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से पंकज कुमार ताह, अजीत कुमार पप्पू, शाहनवाज अंसारी, बबली मरांडी, गीता हजरा, प्रमिला मेहरा, हीरालाल महतो, गोपिन मुर्मू, बाबूराम हेम्ब्रम, त्रिभुवन मंडल, गौरव कुमार आदि उपस्थित थे। बहुत सारे साथियों ने विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर दशम गुरु शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। इन तमाम साथियों को मुक्ति मोर्चा परिवार में आने पर बहुत धन्यवाद और स्वागत इस बात का कि परिवार में सदस्य रहे माटी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में माटी के बेटे बेहतर। तेलोडे के समीप कोबाड़ हटिया मैदान में विशुद्ध भाजपाइयों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्य रूप से पार्टी जिला अध्यक्ष द्वारा जिला कमेटी व मंडल कार्य समिति के गठन पर आक्रोश व्यक्त किया गया और जिला अध्यक्ष महादेव दुबे को पार्टी से हटाने को लेकर चर्चा की गई। तेलोडी के समीप कोबाड़ हटिया मैदान में विक्षुब्ध भाजपाइयों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष को हटाने पर गंभीर चर्चा की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता पूर्व बीस सूत्री अध्यक्ष भागीरथ मंडल और संचालन पूर्व विधायक प्रतिनिधि अरुण राणा ने किया। बैठक में मुख्य रूप से गलत तरीके से मंडल अध्यक्ष के मनोनयन को लेकर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे की बर्खास्तगी के लिए चर्चा की गई तथा मंडल कार्य समिति के विस्तार में भी जिला कमेटी की तरह ही मूल भाजपाइयों को छोड़कर
दूसरे दलों के लोगों को ही पदाधिकारी बनाने का विरोध किया गया। बैठक के दौरान पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं से वार्ता की, लेकिन इस बार भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मौके पर अशोक यादव, महेंद्र मंडल, राजेश वर्मा, घनश्याम वर्मा, जगन्नाथ यादव, मनोहर राम, अजीत कुमार सोनू, दिलचंद वर्मा, मनोज मंडल, नारायण मंडल, वीरेंद्र कांधू, सौरभ गुप्ता, संजय तिवारी, जितेंद्र तिवारी, सुनील पंडित, अशोक साव, अनिल साव, रामबजू देव, मंटू देव, भरत दास, जितेंद्र वर्मा समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। एक बैठक भरत मंडल की अध्यक्षता में हुई, उसमें सारे कार्यकर्ता थे और इन लोगों ने कहा, हमने प्रयास किया कि आपस में जो हो गया है उस पर फिर से पार्टी के विरुद्ध में, जैसे कहीं भी करते हैं तो पार्टी का विरुद्ध होता है, इसीलिए आंदोलन कोई नहीं करें, हम लोग जितना हो सके उसको समझौता करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम लोगों ने बात किया और फिर इन लोगों ने बहुत सी बातों कहा जो हम नहीं कह सकते हैं, बाकी प्रदेश में जा कर के इस बात को कहेंगे, कहाँ तक क्या होता है हम नहीं कह सकते अभी। पश्चिमी भाग मंडल के मूल भाजपाई कर्तव्यनिष्ठ समर्पित कार्यकर्ताओं की आज बैठक थी, वैसे कार्यकर्ताओं की बैठक है आज, जिन्होंने पार्टी को वर्षों से सींचते हुए आए हैं और अभी तक सींच रहे हैं, वैसे कर्तव्यनिष्ठ लोगों का आज बैठक था। बैठक में पूर्व में विरोध चल रहा है इस मंडल में, जो मंडल अध्यक्ष का घोषणा किया गया है वो कहीं से न्याय संगत, नीति संगत, पार्टी के संविधान के अनुसार नहीं है, जिसका हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं और अभी भी विरोध कर रहे हैं। और कल मंडल कार्य समिति का भी घोषणा हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक दो से ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं है, बाकी सारे दूसरे दलों के कार्यकर्ता हैं, जिनका ना भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता है, ना ही वो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को जानते हैं, ना ही उसके साथ उन लोगों ने कभी काम किया है। वो दूसरे दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं का नाम दे करके घोषणा कर दिया गया है। जो ये कमेटी भी बना है, जैसे मंडल अध्यक्ष फर्जी है, थोपा हुआ है, वैसे कमेटी भी फर्जी है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और प्रदेश नेतृत्व को ये आगाह करते हैं कि आप इस पर तुरंत संज्ञान लीजिए, नहीं तो हम लोग प्रदेश कार्यालय में धरना देने को बाध्य होंगे। बनियाडी ओपन कास्ट कोलियरी को सीटीओ मिलने के बाद सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने नारियल फोड़कर लोकल सेल का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने कभी बात टीओआर के मुद्दे पर बताया कि वे कुछ दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट दिल्ली में जाकर अपनी बात रखेंगे और टीओआर लाने का प्रयास करेंगे। बनियाडी ओपन कास्ट कोलियरी को सीटीओ मिलने के बाद विधायक सुदिव्य सोनू ने नारियल फोड़कर लोकल सेल का शुभारंभ किया। मौके पर विधायक का झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन, ट्रक एसोसिएशन और लोकल सरदार ने मिलकर अभिवादन भी किया। इस खुशी के मौके पर मिठाइयां बांटी गई और खुशियां मनाई गई। इस दौरान सीसीएल के पीओ भी मौजूद रहे। बताया गया कि 1,25,000 टन उत्पादन क्षमता में सिर्फ 15,000 से 20,000 टन का ही उठाव हो पाता है, जिसको बढ़ाना जरूरी है ताकि ज्यादा कोयला बिक सके। इस पर विधायक ने सभी स्टेक होल्डर्स से आग्रह किया कि आपस में समन्वय बनाकर ज्यादा से ज्यादा उठाव की पहल की जाए, ताकि सभी को इसका आर्थिक लाभ मिले और कोलियरी जिंदा रह सके। कब्रीबाद टीओआर के मुद्दे पर विधायक ने कहा कि वे कुछ दिनों में दिल्ली जा रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट में जाकर अपनी बात रखेंगे और टीओआर लाने का प्रयास करेंगे। मौके पर चक्कू साव तेजलाल मंडल, चुड़का हंसदा दिलीप मंडल, गोपाल शर्मा के साथ सभी सरदार, स्थानीय मजदूर आदि मौजूद थे। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि जो टीओ साहब ने कहा कि अगर 1,28,000 टन के प्रोडक्शन में 15,000-16,000 टन का उठाव होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी चिंता की बात है और इसका बेहतर निदान ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के लोग ही निकाल सकते हैं कि उठाव कैसे बढ़े, क्या रास्ता हो, हम नहीं जानते हैं। व्यावसायिक मामले क्या हैं, आर्थिक मामले क्या हैं, उसको उठाने से आपको नुकसान है कि नफा है, हमें नहीं मालूम है। लेकिन हमको ये जरूर दिखता है कि पीओ साहब की बातों में बड़ी सच्चाई है कि 1,28,000 के विरुद्ध अगर 15,000-16,000 टन कोयला उठेगा तो इस इंडस्ट्री को बचा पाना फिर बड़ा मुश्किल है। रह गई बात कबरी बात की, तो मुझको पूरी तरीके से याद है, हमने कहा था, मैंने माननीय सांसद आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी से भी इस बात के लिए आग्रह किया है, चूँकि 29 जनवरी से सदन का सत्र चल रहा है, तो मुझको ये मालूम था कि माननीय सांसद दिल्ली में रहेंगे और टर्म ऑफ रेफरेंस चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट से डिक्टेट होता है या वहाँ से आएगा, और केंद्र सरकार के उपक्रम में बतौर विधायक मेरी
मेरा उतना वजूद नहीं है, मेरी उतनी ताकत नहीं है जितना माननीय सांसद का है। इसलिए हमने माननीय सांसद से आग्रह किया था कि सत्र के दरमियान सर जब आप दिल्ली में रहेंगे हम आ जाते हैं और हम लोग दोनों मिलकर एक सामूहिक प्रयास करते हैं कि कबरीबाग का टर्म ऑफ रेफरेंस डिक्टेट कराकर हम ले आएँ, जिसके आधार पर यहाँ हमें सीटीओ लेने में सहूलियत हो। और इतने सालों से ये जो मसला चला आ रहा है, इस मसले का एक सुखद समाधान निकले। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगले हफ्ता में मैं दिल्ली रहूँगा, माननीय सांसद को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट जाऊँगा और अपने तरफ से पूरा प्रयास इस बात का होगा कि कबरीबाग का भी टर्म ऑफ रेफरेंस आ जाए, सीटीओ आ जाए। लेकिन फिर अपनी बातों को विराम देने से पहले हम यही कहेंगे कि ये इमरजेंसी जैसे हालात में संकट के इस दौर से ये इंडस्ट्री गुजर रही है, इस इंडस्ट्री को बचाना बहुत ज़रूरी है और मेरे से ज़्यादा आप इस बात को महसूस करते हैं और जानते हैं। तो हम यही कहेंगे कि जो मेरे काम हैं वो तो हम कर देंगे, लेकिन इस इंडस्ट्री को बचाने के जो आपके काम हैं उन कामों को आप भी कर दीजिए। तो हमको लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों तक ये इंडस्ट्री चलेगी और ये इंडस्ट्री चलकर तमाम लोगों का पेट भरेगी जो इनके ऊपर आश्रित। तो चलिए ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करें कि सब लोगों के सामूहिक सहयोग से, सामूहिक प्रयास से इंडस्ट्री को हम और कुछ लंबा समय। जमुआ के माघा कला निवासी मोहम्मद इजराइल अंसारी ने मुखिया द्वारा सिंचाई कूप नहीं देने को लेकर गिरिडीह उपायुक्त समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को एक आवेदन प्रेषित कर शिकायत की है। इस बाबत इन्होंने कहा कि अगर 8 फरवरी तक इस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं की गई तो ये जमुआ प्रखंड कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। जमुआ के मघा कला निवासी मोहम्मद इजराइल अंसारी ने मुखिया द्वारा सिंचाई कूप नहीं देने के संबंध में उपायुक्त को शिकायत दर्ज करवाई है। मोहम्मद इसराइल ने कहा कि डीसी के अलावा इन्होंने अन्य संबंधित अधिकारियों को भी आवेदन प्रेषित किया है। बताया गया कि इनके पास 5 एकड़ जमीन है जिसमें सिंचाई कूप होने से इनको और इनके जैसे 20-25 किसानों को खेती का लाभ मिलेगा। इनके जमीन पर सिंचाई कूप स्वीकृत हो गया है और चेकलिस्ट भी बन गया है। इसके बावजूद भी मुखिया शबाना आजमी इस योजना को स्वीकृत नहीं कर रही है, जिससे सिंचाई कूप नहीं बन पा रहा है और इन्हें खेती करने में भारी परेशानी हो रही है। इन्होंने कहा कि अगर 8 फरवरी तक इस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं होती है तो ये जमुआ प्रखंड कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। मैं मोहम्मद इसराइल अंसारी ग्राम मघा खुर्द पंचायत मघा कला का रहने वाला हूँ। मैं मुखिया शबाना आजमी एवं रोजगार सेवक को चेक स्लिप बनाकर 7 दिसंबर 2020 को दिया था, जो आज तक मेरा कुआं का स्वीकृति नहीं दिया गया। मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को 2 आवेदन भी दिया था, जो 2 आवेदन पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया। तो मैं 1 तारीख को उपायुक्त महोदय गिरिडीह, उप विकास आयुक्त गिरिडीह, अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ, थाना प्रभारी जमुआ, PDO जमुआ और अंचल अधिकारी जमुआ को एक आवेदन देते हुए 5 दिन के अंदर कुआं स्वीकृति करने का आग्रह किया है। अगर मुझे 5 दिन के अंदर कुआं स्वीकृति नहीं मिलती है तो मैं 8/2/2021 को धरना करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। पचम्बा के रहने वाले एक युवक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली के सिंधु बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन में आंदोलनकारियों के द्वारा इसे प्रताड़ित कर हथियार के बल पर जबरन अपने मुताबिक बयान दिलवाया गया। युवक ने कहा कि वह किसान आंदोलन देखने गया था, वहां देश विरोधी नारा लगता देख उसने देशभक्ति नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद युवक के साथ यह घटना घटी। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन स्थल से गिरिडीह लौटे एक युवा ने कहा कि वहां कोई किसान आंदोलन नहीं चल रहा है, बल्कि वहां अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल शहरी क्षेत्र के पचम्बा में रहने वाला विकास मंडल पिछले दिनों एक प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए सोनीपत गया हुआ था। परीक्षा देने के बाद इसे किसान आंदोलन को देखने की लालसा हुई और यह सिंधु बॉर्डर चला गया। आरोप है कि वहां देश विरोधी नारे लगते देख यह भावना में बह गया और 5 से 6 पर्ची बनाकर देशभक्ति नारों के साथ इसने वितरण करना शुरू कर दिया। अपने घर पचम्बा लौटे विकास मंडल ने कहा कि पर्ची बांटते ही इसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और हथियार के बल पर धरना स्थल से कहीं और ले गए। बाद में डरा धमका कर इसे जबरदस्ती बयान देने को मजबूर किया गया कि भाजपा से इसका नाता है और किसान आंदोलन में यह भाजपा के एजेंट के तौर पर पहुंचा था।
विकास मंडल का कहना है कि जबरन दिए गए इसके बयान को रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया पर उसे खूब वायरल कराया गया। विकास का कहना है कि इसका किसी भी दल से कोई वास्ता नहीं है, देश विरोधी गतिविधियों के चलते इसने वहां यह कदम उठाया था। फड़िया गया और ये दावा कर रहे हैं कि आरएसएस का शख्स है, नाम क्या है आपका? विकास प्रसाद मंडल। विकास, यहां कैसे आए हो आप? सर, मैं एक महीना पहले यहां पे आया था। हाँ। तो रुपेंदर मेरा दोस्त था और वो उपदेश राणा से जुड़ा हुआ है, और उपदेश राणा जो आरएसएस का मतलब अध्यक्ष है, कोई बंदा है वो उसे आरएसएस में जुड़ना चाहिए। अच्छा। तो रुपेंदर को उसने सिखाया कि जो बंदा तुम्हारा है, जो विकास प्रसाद मंडल है, उसको कन्वेंस करो और उसको आरएसएस में जोड़ो। तो आपको ट्रेनिंग क्या दी गई है? ये बोला जाता है बार बार हमें कि जो भाजपा है वही जो है देश का रक्षक है, और मोदी है तभी देश जो है आगे बढ़ेगा। मोदी को मतलब कहने मतलब पूरे देश में भाजपा को लाना है और मोदी को बचाना है। कितने बंदे ने ट्रेनिंग दी थी? कितने बंदे ट्रेन कितने जा रहे हैं? ये 20-25 का करीब 20-25। पैसे मिलते हैं? पैसे सर पैसे मिलते हैं। कितने पैसे मिलते हैं सर? पैसे कितने मिलते हैं ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। आपको मिला है कुछ? आपको पैसे मिले सर? मुझे ये बोला गया था कि वहां जाके अगर तुम उनको अपोजिट काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे अकाउंट में। तो आपने करना क्या था यहाँ किसान मोर्चे में? क्या आपको क्या बता के भेजा के क्या करना है? वो करना है कि वहाँ पे जाके तुम अंटी कहने का मतलब है कि वो वहाँ जाके वो लोग जो है देश विरोधी काम कर रहे हैं, मतलब हाँ। मोदी का जो है वो मोदी मुर्दाबाद बोल रहे हैं, वहाँ के जाके बुझा के बोलना है मोदी हाँ। जिंदाबाद। ये जो आपने लिखे हैं ये क्या है? ये आपने लिखे हैं? जी लिखे तो मैंने हैं, बट जो रुपेंदर है दिखाओ, ये दिखाओ। कभी शहीन बाग में कभी बॉर्डर पे, ये क्यों लिखा है? किसने कहा इसको लिखने के? ये रुपेंदर ने मुझे पहले लिखवा दिया था उसमें मोबाइल में, देखो जब भी लिखोगे यही लिखना। एक साल करीब। कितने पैसे मिल चुके हैं? अभी तक मुझे एक भी पैसा नहीं मिला था। तो फिर क्यों काम कर रहे हो अगर पैसे नहीं मिले तो क्यों काम? मुझे ये लालच दिया गया था कि अगर आप ये काम करते हो तो आपको नौकरी भी हम दिलवा देंगे। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मेरी सर क्वालिफिकेशन है एमएससी है सर। तो नौकरी नहीं मिली? नौकरी तो नहीं मिल रही है। तो शाहीन बाग में भी थे क्या आप? जी नहीं, वहाँ मैं नहीं था। तो ये फिर शाहीन बाग का लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा है आपने? सर ये जो है उन्होंने रुपेंद्र ने बोला ये लिखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव तुम्हारा पर्ची होगा। और क्या क्या लिखा है? थोड़ा ये भी ऐसी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह आई सपोर्ट फार्मर बिल ये आपने लिखा है, बताओ क्या क्या लिखा है? सर लिखा मैंने है बट सर ये पहले से रुपेंद्र ने मुझे व्हाट्सएप में लिखवा दिया था। क्या क्या लिखवाया है बताओ? आई सपोर्ट फार्मर बिल्स ये लिखना है और सेव कंट्री फ्रॉम अननेसेसरी एलिमेंट्स। यहाँ पे आके लगता है कि फार्मर जो है प्रोटेस्ट सरकार के अगेंस्ट जो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, यहाँ पे आके क्या लगता है? सर मुझे यहाँ पे देखिए जिस टाइप से मैंने बिहेव किया यहाँ पे, कोई कहीं और होते हैं तो मेरा तो अभी तक क्रियाक्रम हो जाता, बट यहाँ पे लोगों ने ना मुझे मारा और ना कुछ किया, बल्कि पानी वानी पिला के बढ़िया चाय पिला के बढ़िया से लोग रखे। मुझे ये बताएं प्लीज आप सबको कि आप आज आए तो आपने यहाँ आके किया क्या है? सर मैंने यहाँ आके जो जहाँ पे मंच पे भाषण हो रहा था वहाँ पे मैं डूब गया, मैं अंदर चला गया वहाँ पे और वहाँ पे मैंने पर्ची फेंकना शुरू कर दिया। क्या पर्चे थे? पर्ची यही थे, देखिए सर यही सब पर्ची, आई सपोर्ट फार्मर बिल्स, रोड को खाली करो, सेव कंट्री फ्रॉम अननेसेसरी एलिमेंट्स। ये प्लानिंग किसने की कि क्या करना है वहाँ जाके ये फेंकने है? प्लानिंग किसकी थी? इनडायरेक्टली जो है वो प्लानिंग उपदेश सराना के थे। वो कौन है? वो आरएसएस का अध्यक्ष, मतलब मैं अपेक्षा कर रहा था 20-30 हजार रुपए मिल जाएंगे। सर मेरा मोटिव मुझे बोला गया था वहाँ पे जाके कि मोदी जिंदाबाद करना है। अच्छा। और वहाँ पे जो ये पर्ची में लिखा गया है वो सिर्फ पर्ची फेंकने के लिए बोला गया था। मोदी जी जिंदाबाद कहना है, मोदी जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, तो आपने बोला यहाँ पे आज नारा लगाया था आपने? सर एक दो बार बोला था सर। अच्छा, नारा लगाया यहाँ पे आगे? सर आई एम फीलिंग नाउ दैट, अब मैं फील कर रहा हूँ कि मैंने गलत किया। गलत किया? ये किसानों के खिलाफ बोलने के लिए आपको कितनी देर से बोला जा रहा था? सर जब से ये धरना हुआ था ना सर, तब से बैरिकेड जो है बगल में है, ऊपर से मैं कूद के आया था। किसी ने मारा पीटा आपको? सर नहीं। कुछ कहा आपको? नहीं। आपको लग रहा है जहाँ ठंड है इतनी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप उनके खिलाफ जा रहे थे? सर बिल्कुल अब लग रहा है। सर लग रहा है आपको? जिस दिन ये तस्वीर दस रहे हैं कि नौजवान रुपेंदर है ये फोन नहीं उठा रहा? सर फोन तो नहीं उठा रहा। और ये आरएसएस के लिए काम करता है आप कह रहे हैं? पहले लगाए थे, पहले लगा था फिर फोन बंद कर दिया था। कहीं अगर और होते हम तो अभी हम जिंदा नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे थे, ये लोग अच्छे हैं, तो मतलब ये लोग जो है अंकल लोग जो है वो
चाय वाय और वो लड्डू वड्डू खिला रहे हैं लंगर। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि ये जो जिस लोगों ने आपसे कहा करने के लिए, आगे करोगे काम आरएसएस के लिए या जो जिसने भी आपसे कहा? सर आगे मैं अपना खुद का दिमाग लगाऊंगा और यहाँ पे ये लग रहा है कि मैंने बहुत गलती किया और गलत किया। सबसे बड़ी बात है कि इतनी भीड़ में और ये लोग जो है मुझे यहाँ पे सही से सुरक्षित से अच्छे से पेश आए और चाय पानी जिस से पिलाए, तो यहाँ से ये लग रहा है किसान यहाँ के जो किसान है एक्चुअल बहुत मासूम है। सर एक साल से मुझे ट्रेनिंग दी जा रही थी, एक साल से रुपए ट्रेनिंग में क्या क्या है? सर मुझे ये बताया जाता था कि कोई भी बंदा मिलता है तो उसे आरएसएस के बारे में बताओ क्या, जैसे कोई भी लड़कियां जैसे मिलती है। अगर मान लो मैं मिला हूँ तो आप अगर आप मुझे कन्विंस करोगे तो कैसे बात करोगे? मैं आपको ये बोलूंगा आप हिंदू हो, आप क्या बोलते हैं राम का भक्त बनो, आप भाजपा को सपोर्ट करो, जब तक मोदी है तभी तक सब कुछ है, जब तक मोदी है तब तक देश है, अदरवाइज मोदी नहीं तो देश नहीं। तो ये जैसे आप कहाँ पे कन्विंस करते थे लोगों को, जैसे नॉर्मल रैंडमली को मिल गए या अपने दोस्त? मतलब चलते चलते कोई मिल गया तो मैंने कन्विंस करना शुरू कर दिया। तो ऐसा होता है कि स्टेप से मतलब हमको बताया गया है कि बताया जाता था कि मतलब बोलने का तरीका भी हमको बताया जाता था कि स्टेप से बोलना ताकि उसे लगे। तो वो उनको पता है कि तुम आरएसएस के साथ या जिसके साथ भी जुड़े हुए? मम्मी पापा को नहीं पता बट सिस्टर को पता है। सिस्टर को पता है? तो उससे कभी बातचीत हुई कि ये करने जा रहा हूँ? नहीं, अगर बातचीत होता तो वो भेजने आने देते कभी नहीं। मम्मी पापा हैं, पापा किसान हैं और सिस्टर है। आखिर बार रुपिंदर से कब मिले थे? किसान है तुम्हारे पापा और तुम क्यों नहीं पढ़ते? सर बात ये है कि मैंने उनको बताया ही नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ। सर एज ए स्टूडेंट, एज ए सच्चा हिंदुस्तानी, कोई भी प्राइम मिनिस्टर गाली दे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे अपोजिट पार्टी के लोग करोड़ों हों या लाखों हों। और सर मैंने वही किया वहाँ पे। सर बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो आंदोलन जो है वो किसान आंदोलन नहीं है, वो खालसा आंदोलन है, वो खालिस्तानियों का है, वहाँ पे खालिस्तानी भरे हुए हैं और ये जो आंदोलन है पूरी तरह से हाईजैक है और हाईजैक जो है बाहर के लोगों ने किया है जो देश के बाहर बैठे हुए हैं। क्योंकि सर वो वहाँ के जाके मैंने पूरी तरह ऑब्जर्व किया कि मोदी मुर्दाबाद, मोदी मर जाओ, ये आई डोंट सपोर्ट फार्म। मुझे समझ में ये नहीं आता सर फार्म बिल से दिक्कत किससे है? अगर किसी को दिक्कत है तो मुझसे आके डिबेट कर ले, मैं पूरी तरीके से फार्म बिल को पढ़ चुका हूँ सर और उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा कि यहाँ किसानों को बरगलाया जा रहा है तो मैंने क्या किया और तुरंत पर्ची बनाने के बाद पर्ची में मैंने ये लिखा आई सपोर्ट फार्मर बिल्स और सेव कंट्री फ्रॉम अननेसेसरी एलिमेंट्स, देश को बचाओ अननेसेसरी एलिमेंट्स से। तीसरी चीज़ ये है कि रोड खाली करो, ज़्यादा लोकतंत्र देश के लिए खतरनाक है। तो ये जो तीन चार पर्ची मैंने बनाई ये वीडियो में देखा जा रहा है वहाँ पर, तो ये इसको बनाने के बाद मैं किस बैरियर से अंदर घुस गया जहाँ पे भाषण हो रहा था और किसानों को मैं बांटना शुरू कर दिया और मुझे लगा किसानों को समझाना चाहिए इसलिए मैं बांट रहा था। और मैंने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो मुझे लगा कि यहाँ से मुझे पकड़ के जो अच्छे न्यूज़ वाले होंगे पकड़ लेंगे या तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, इसके बाद मुझे जो करना हो करेंगे। मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे खालिस्तानी भरे हुए हैं। तो पीछे से क्या हुआ कि चार पांच बंदे आते हैं और चार पांच बंदे क्या वो खालिस्तानी थे, मुझे पकड़ के पीछे ले गए मंच के पीछे ले जाने के बाद उन्होंने काफ़ी टॉर्चर किया। बोला किस पार्टी से बिलोंग करते हो? मैंने बोला मैं स्टूडेंट हूँ, मैं देखने आया था, आई डोंट बिलोंग फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, मुझे मेरा किसी पार्टी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उसमें चार बंदे मुझे सुनसान जगह पे ले गए, काफ़ी पिटा और ये बोलते रहे कि बताओ कि तुमको किसने भेजा है। तो कुछ देर के बाद एक उसमें खालिस्तानी जो था वो बंदूक निकालता है और मेरे सर पे रखता है, बोलता है बताते हो कि नहीं मार दो, नहीं तो मार दूंगा। तो मैंने सोचा कि अगर ये मार देते हैं तो गुमनाम की ज़िंदगी मारा जाऊंगा। तो मैंने मनगढ़ंत एक कहानी बनाई और उसको मैं बोला कि हाँ मैं आरएसएस का आदमी हूँ, उपेंद्र जो कि मेरा दोस्त है, उसके द्वारा भेजा गया हूँ। उपेंद्र जो उपदेश राणा के लिए काम करता है, उपदेश राणा से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, उपेंद्र का भी कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ उपदेश राणा आरएसएस का अध्यक्ष है ये मैं जानता हूँ और यूट्यूब में उसका वीडियो कभी कभार देख लेता हूँ और वो बंदा अच्छा काम कर रहा है और वो देश के लिए काम कर रहा है। तो मैंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और उपदेश राणा का नाम दिया और अपने दोस्त उपेंद्र का नाम दिया। इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, वहाँ से मुझे जहाँ पे आंदोलन हो रहा था वहाँ पे ले आया। इसके बाद एक बंद कोठरी में ले गया, बंद कोठरी में जो है न्यूज़ चैनल वाले आए तो मुझे मैं स्टेटमेंट दे रहा था, मुझे लगा कि न्यूज़ चैनल वाले आएंगे तो उस समय मैं सही बता दूंगा, लेकिन
जब मुझे बंद कोठरी में ले जाया गया, इसके बाद वहाँ पे मुझे ये बोला गया कि पहले रिकॉर्डिंग होगी और जो वहाँ पे बोला है वो बोलो, अदरवाइज तुम्हें मार दिया जाएगा। तो जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे पीछे से मेरी गन रखी गई है और मीडिया वाला जो है, मुझे वहाँ समझ में आ गया कि मीडिया पूरी बिकी हुई है, मीडिया सिर्फ इन्हीं की। और जो मुझे यहाँ पे मुझे वही बोलना चाहिए जो कि लोग सुनना चाहता, वहाँ पे बोल दिया था कि वही बोलो जिससे लगे कि लोगों को किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए तुम आए हो। थैंक यू सर। दिव्यांग जन कल्याण संघ के जिला स्तरीय मासिक बैठक झंडा मैदान में संपन्न हुई। बैठक के दौरान दिव्यांग जनों के विभिन्न मांगों की प्राप्ति समेत अन्य कई समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। दिव्यांग जन कल्याण संघ के जिला स्तरीय मासिक बैठक झंडा मैदान में संपन्न हुई। बैठक में दिव्यांग जनों के विभिन्न मांगों की प्राप्ति पर चर्चा की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष नसीमुद्दीन अंसारी कर रहे थे। इस बैठक में दिव्यांगों के 7 माह से बकाये पेंशन, दिव्यांग आश्रम सह प्रशिक्षण केंद्र खोलने और दिव्यांगों को 4-पहिया वाहन दिलाने से संबंधित मांगों पर विमर्श किया गया। इसके अलावा यहां सरिया के द्वारिका साव के जमीन विवाद पर चर्चा की गई और वहां के पंचायत समिति सदस्य से बात कर इनके मामले का निराकरण करने का निर्देश संघ की ओर से दिया गया। इसके अलावा अन्य कई समस्याओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से दिव्यांग सामाजिक सेवा संस्थान गिरिडीह के जिला उपाध्यक्ष यशवंत वर्मा ने कहा कि संस्था के कार्यालय का विधिवत उद्घाटन 14 फरवरी को झिंझरी मोहल्ला में किया जाएगा। इस बैठक में राजधनवार के सुमन कुमार, मीडिया प्रभारी रंजित रजक, रंजित कुमार माथुर, तबस्सुम प्रवीण, ललिता देवी, प्रेमदास, चंद्रगुप्त पंडित, द्वारिका पंडित, किरण बाला आदि उपस्थित थे। आज दिव्यांग जन कल्याण संघ की जिला स्तरीय मासिक बैठक हो रही है जिसमें हम लोग पिछले मांगों पर क्या कार्रवाई हुआ उस पर चर्चा किए और जिस पे कार्रवाई नहीं हुआ है उन सभी मांगों पर पुनः रिमाइंडर हम लोग पदाधिकारी से, माननीय विधायक महोदय से और राजनीतिक आयुक्त से करेंगे। उसी विषय पर आज विशेष चर्चा हो रही है और निर्णय लिया जा रहा है। तेलोडे के एक उर्दू विद्यालय को अपग्रेड करने की मांग के साथ तेलोडे मैदान में सोशल वेलफेयर कमेटी के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। धरना में स्थानीय लोगों के साथ साथ काफी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने उच्च विद्यालय नहीं होने से होने वाली परेशानियों को बताया और हाथों में तख्तियां लेकर विद्यालय को अपग्रेड करने की मांग की। सोशल वेलफेयर कमेटी तेलोडे के बैनर तले तेलोडे मैदान में एक तेलोडे उर्दू विद्यालय को अपग्रेड करने के लिए धरना दिया गया। धरना से पूर्व स्थानीय लोगों के साथ साथ काफी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर उच्च विद्यालय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल तेलोडीह का इलाका अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र की आबादी लगभग 15,000 से अधिक है, लेकिन यहां एक भी उच्च विद्यालय नहीं है। इस बाबत तेलोडीह के सदर मोहम्मद इस्लाम हाफी ने बताया कि तेलोडे में उच्च विद्यालय नहीं रहने से बच्चों के साथ साथ परिजनों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि सरकार और जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द तेलोडे में उच्च विद्यालय खुलवाने का काम करे ताकि गांव में बेहतर शिक्षा का माहौल बन सके। इधर स्थानीय छात्राओं ने कहा कि गांव में उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण कई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। इसके अलावा हम लोगों को स्कूल जाने में परेशानी भी होती है, घर वालों को भी डर लगा रहता है कि उनकी बच्ची कैसे पढ़ेगी, कैसे स्कूल जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष इस्लाम अंसारी, मीडिया प्रभारी जिब्राइल अंसारी, सचिव मोहम्मद रिजवान, डॉक्टर सबा, जमीरुद्दीन, निसार आलम, मोहम्मद जमाल, अमीर अली, मुमताज एवं कई गणमान्य बुद्धिजीवी लोग उपस्थित रहे। उप मुखिया जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब मरहूम, सबसे पहला वो शख्स है जनाब मोहम्मद मोहसिन, हमारी मांगे पूरी करो, उच्च विद्यालय की स्थापना करना होगा।
क्या होगा उच्च विद्यालय की स्थापना कर ठहरे दरिया में तूफा उठाने आज आया हूँ सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ अरे सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ अरे तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी अपने मुस्तकबिल की इमारत तुमने खुद तोड़ दी अरे फन 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 के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ मैं तुम्हारा मरसिया सुना हमारे स्कूल टेलोडी 8 तक की क्लास है हम लोग का निवेदन करते हैं कि 10 तक कर दिया जाए क्योंकि इधर का माहौल भी सही नहीं है हमारे पेरेंट्स लोग डरते हैं क्योंकि मेरी बच्ची कैसे जा रही नहीं जा रही क्या करी नहीं करी है बगल में स्कूल रहेगा तो सब 10 तक पढ़ेंगे भी और हमारे माँ बाप पढ़ाना भी चाहेंगे तो दूर है किसी का माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं किसी का नहीं चाहते बोलिए मेरी बेटी क्या करे नहीं करे बिगड़ जाए इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि यहाँ तक 10 तक कर दिया जाए क्या नाम है मेरा नाम नाही पर आज का ये धरना सोशल वेलफेयर कमेटी तेलोडी के जानिब से उसके आह्वान पर ये किया गया और हमारे तमाम यहाँ के नागरिक और यहाँ के जितने भी गाँववासी हैं उन लोगों ने इसमें भाग लिया और हम लोगों की तमाम की एक ही मांग है कि हमारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलोडी उर्दू जल्द से जल्द इसको हाई स्कूल में तब्दील किया जाए इसलिए कि यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या काफ़ी तादाद में है साथ ही हमारे अगल बगल के जितने भी गांव हैं इन गांवों के अंदर में भी जो स्कूल है या वो प्राइमरी दर्जे की स्कूल है या मिडिल की स्कूल है उन स्कूलों में भी बच्चों की काफ़ी संख्या है और हमारे यहां से जो महिला उच्च विद्यालय पचम्बा में है उसकी दूरी लगभग 5-6 किलोमीटर है और हमारे यहां काफ़ी तादाद में गरीब बच्चे और बच्चियाँ हैं और बच्चियों को रोज़ाना वहाँ जाने में वो जो खर्च वाहन करना पड़ता है उसके गार्जियन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर यहाँ लोकल में अगर हाई स्कूल हो जाता है तो हमारे गरीब लोग भी अपने बच्चियों को जो है वो कम से कम सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी तक अपने बच्चियों को पढ़ा करके फिर ऊंची तालीम ऊंची शिक्षा दिला सकें इसी की एक प्रयास है और हम आग्रह करेंगे अपने शिक्षा विभाग से और तमाम पदाधिकारियों से और हम राज्य सरकार से भी इस बात की आग्रह करेंगे कि जितना जल्द हो हम लोगों की इस मांग को आप पूरा करके और हम लोगों के ऊपर एक कृपा करने का आप काम करें ये इसी के साथ मैं अपनी बात तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर बगोदर में हुए ट्रक चालक की हत्या का पुलिस ने किया उद्भेदन इधर गांडे में बुजुर्ग महिला के हत्याकांड से भी उठा पर्दा दोनों कांडों के आरोपियों की हुई गिरफ्तारी एसडीपीओ ने पुलिस लाइन में की प्रेस वार्ता सीटीओ मिलने के बाद ओपन कास्ट कोलवरी के लोकल सेल का हुआ शुभारंभ मजदूर यूनियन व अन्य लोगों ने सदर विधायक का किया स्वागत उत्पादन बढ़ाने और कोलवरी को सफल बनाने पर हुई चर्चा तेलोडी उत्क्रमित मध्य विद्यालय को अपग्रेड करने को लेकर हुआ धरना प्रदर्शन सोशल वेलफेयर कमेटी के बैनर तले आयोजित हुआ कार्यक्रम विद्यालय को उत्क्रमित करने की जोर शोर से की गई मांग और सिंधु बॉर्डर पर अराजक तत्वों का जमावड़ा सिंधु बॉर्डर से लौटे गिरिडीह के युवा ने किया खुलासा कहा देशभक्ति के पर्चे बांटने पर इसे किया गया प्रताड़ित तो दर्शकों ये था हमारा आज का न्यूज अंक आज के अंक में बस इतना ही कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत नमस्कार